सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का संस्कृत सूक्ति श्रृंखला में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज सूक्ति श्रृंखला में 15वीं सूक्ति को आपके समक्ष लेकर के उपस्थित हुए हैं। सूक्ति अत्रिणे पतितो वह्निः स्वयमेवोपशाम्यति। इसका अर्थ है कि अत्रिणे पतितो वह्निः, वह्नि माने अग्नि, अग्नि का अंगारा, अग्नि मीन्स अंगारा। यदि अग्नि अत्रिणे माने तृणों पर नहीं गिरी है, कई मिट्टी पर गिर गई है या पानी में गिर गया है, जो अग्नि का जो टुकड़ा है अग्नि है, तो कहते हैं अत्रिणे पतितो अग्नि है माने तृणों से, माने घास फूस लकड़ी आदि से भिन्न स्थान पर गिरी हुई जो अग्नि है वो स्वयमेव उपशाम्यति माने अपने आप शांत हो जाती है, धीरे धीरे अपने आप बुझ जाती है। यदि पानी में डाल देंगे अग्नि बुझ जाएगी, आप जमीन पर वैसे ही अग्नि को छोड़ देंगे, वहां घास तिनका नहीं है तो बुझ जाएगी थोड़ी देर बाद। जब तिनकों पर डालते हैं तो वो अग्नि विशाल हो जाती है, वृद्धि को प्राप्त हो जाती है, बढ़ जाती है। कहते हैं जिस प्रकार से अग्नि घास फूस को छोड़ करके अन्य किसी स्थान पर डाली जाती है, पानी पर, भूमि पर, तो वो थोड़ी देर में बुझ जाती है, नष्ट हो जाती है, शांत हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से संसार में अच्छे लोग श्रेष्ठ लोग, संस्कारी लोगों को यदि अच्छी संगति नहीं मिलती है, अच्छा वातावरण नहीं मिलता है, तो वो लोग भी क्या है, उनके अंदर जो अच्छाइयां हैं वो नष्ट हो जाती हैं। अथवा कोई भी अच्छी वस्तु है, कोई भी अच्छा पदार्थ है, उसको जहां प्रयोग करना चाहिए यदि वहां पर उसका प्रयोग नहीं किया जाता है, जहां प्रयोग नहीं करना चाहिए वहां पर प्रयोग किया जाता है, तो उसका कोई फल व्यक्ति को, मनुष्य को नहीं मिलता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यदि कोई व्यक्ति जो दही है, दही कार्ड होता है, उसको यदि मथेगा, बिलोएगा, तो उसमें से घी निकल के आ जाएगा। परंतु कोई व्यक्ति यदि पानी को ही मथने लगे, पानी को ही मथने लगे, तो उसमें से कोई घी नहीं निकलेगा। अर्थात हमें जो पुरुषार्थ परिश्रम जहां करना चाहिए, जिसके लिए, वही करना चाहिए, तभी फल की प्राप्ति होती है, अन्यथा हमारा जो पुरुषार्थ है वो व्यर्थ चला जाता है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि हम गुणी हैं तो हमें गुणवान लोगों के साथ में ही रहना चाहिए, अच्छे लोगों के साथ में ही रहना चाहिए। और हमारे पास कोई भी वस्तु है उसका हमें ठीक जगह ही प्रयोग करना चाहिए, अनुचित स्थान पर प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये सूक्ति हमको यही सिखलाती है। चलिएगा, आगे की सूक्ति में आपसे मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः।